रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम साथी, मैं TNT PTC ग्रुप के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो नॉन पेंशनर है, जिनको VSS 2008 में पेंशन के हक से महरूम कर दिया गया। मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप, यानी जो हमारा ग्रुप है जिसको हमने तश्कील दिया 28 जनवरी 2020 के बाद, जब सेनेट के अंदर रिपोर्ट पेश की गई, मेरे पिछले क्लिप्स में भी आप देख लें, मैंने तस्करा किया हुआ है। जिसने मेरी वीडियोस अगर नहीं देखी तो वो देख लीजिए। अब हमारी तहरीक एक कामयाबियों की मंजिलें तय कर रही है और बड़े डिसिप्लिन के साथ काम कर रही है, मुख्तलिफ पहलुओं के साथ काम कर रही है अपने हकूक को हासिल करने के लिए, जो जिद्दोजहद कर रही है। इसमें हमारे ग्रुप यानी TNT PTC VSS 2000 यानी नॉन पेंशन 2000 VSS 2008, वजात में ये कर दूं, ये है हमारा ग्रुप TNT PTC नॉन पेंशन 2008। 2008 में VSS दी गई और नॉन पेंशन से मुराद हमें पेंशन नहीं मिली। मैंने जैसे पिछले अपनी वीडियोस के अंदर पहले अपने हकूक, यानी हम जिस ग्रुप से ताल्लुक हैं, ये वो ग्रुप है जिसको पेंशन नहीं दी गई और इनकी तादाद 20,000 है। इसमें हमें अपने पूरे पाकिस्तान से अपने साथियों को इकट्ठा करने के बाद, इसमें ये हमारी ये जो ग्रुप है या ये हमारे ग्रुप का प्लेटफॉर्म है, ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, जिनको पेंशन के हक से महरूम किया गया। इसमें हम अपने तमाम साथियों के बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और इत्तेहाद को बरकरार रखा और यूनिटी को बरकरार रखा। इसमें मेरी गुजारिश आप सब साथियों से है कि जिस तरह अभी आपने यूनिटी बरकरार रखी हुई है, सख्त मेहनत कर रहे हैं, दिन ब दिन हमारे मेंबर्स भी आते जा रहे हैं, गाहे बगाए हम आप से अर्ज कर रहे हैं कि हमने हर किस्म के हालात का मुकाबला करना है, हमने सख्त मेहनत करनी है और हमारा असूल ये है कि ना तो हमने बिकना है, ना हमने अपने हक लिए बगैर पीछे हटना है। इसलिए हमारे तमाम साथी जहन में रख लें कि प्यार, मोहब्बत और यूनिटी और सख्त मेहनत करनी है। हमारे ग्रुप में साथी एक दूसरे की तारीफ करते हैं,
बहुत अच्छी बात है, इससे एक प्यार का माहौल, एक इत्तेहाद का माहौल, एक भाईचारे का माहौल, एक खलूस का इजहार होना चाहिए। बाजों का थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हो जाती है। एक बात जेन में रखिए, तारीफ की शक्ल में कहीं ट्रैप में ना आ जाइएगा। जो हमारे ग्रुप में तारीफें हमारे साथी करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जनरली मैं एक बात कर रहा हूं कि एक जेन में रखें कि तारीफ को छोड़कर कोई तनकीद करे उस पर तवज्जा दे, उसमें से इस्लाही पहलू निकाले बजाय बुरा मनाने के। ये मेरा मौजू जो आज आपसे मैं कर रहा हूं वो इसलिए है, आपने सिर्फ एक चीज को देखना है कि मेरा, हमने अपना हक हासिल करना है। हमारे 20,000 साथियों का हक जो है उसकी अहमियत और अवलियत होनी चाहिए, बाकी किसी चीज को महसूस ना करें। अपनी जिद्दोजहद को जारी रखिए और इसके अंदर एक चीज का खास तौर पर ख्याल रखिएगा कि आप अपनी यूनिटी को बरकरार रखें और सख्त मेहनत के लिए तैयार रहें, और जिस किस्म की मुजाहमत भी अगर आए तो बड़े हौसले के साथ और सब्र के साथ और ठंडे मिजाज से उसको बर्दाश्त करना है। हमारा मकसद ना तो हम नारों से मुतासिर होते हैं ना तारीफ से मुतासिर होते हैं, एक चीज का खसूसी तौर पर ख्याल रखना है, क्या कि हमारे ग्रुप की अब तक जो पहचान है वो ये है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, वफादारी, यानी हम बिकने वाले नहीं हैं। इस चीज को अपने जहन में रखना है, अपनी रूह में समो लेना है, और अपने ग्रुप की लाज रखनी है, और ये ताना हमें नहीं मिलना चाहिए कि जी इनमें बिके हुए लोग बैठे हुए। अल्लाह के फजल करम से हमारे ग्रुप के अंदर हर चीज, मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दी है कि अगर कोई माली हमारे जो अकाउंट की पोजीशन होती है उसके बाकायदा ऑडिट की रिपोर्ट हर महीने आपके ग्रुप में भी शेयर की जाती है, लेकिन उससे पहले हम पीछे बैठकर जो हमारी काउंसिल है उसके अंदर उसका ऑडिट किया जाता है। और हमने आपको ये भी बता दिया है कि हमारे ग्रुप के अंदर ओहदे मोहदे कोई नहीं है, हमारे पीछे एक काउंसिल है, उस काउंसिल के अंदर अगर एक को सरबरा बनाया गया लेकिन सरबरा अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है और इसको समझ रहा है और वो अपने तमाम काउंसिल के ग्रुप से मुशावरत के बाद एक मुश्तरका कंसेंसस कर इत्तफाक राय पैदा कर, तो फिर हमने जो भी कदम उठाना होता है उस पर अमल किया जाता है, उसमें कोई फर्द वाहिद की कोई मिनापली नहीं है। इसी तरह हमने डिसिप्लिन भी इसी तरह ही बरकरार रखा, लेकिन अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ग्रुप में कोई शख्स करता है तो उसको भी बाकायदा पीछे बैठकर डिस्कस किया जाता है। अगर वो ग्रुप से एक्सपेल भी होता है उसको फिर बुलाया जाता है, 2-3 दफा मौका देने के बाद जब देखा जाता है कि ये हमारे ग्रुप में कोई इंतशार की कैफियत पैदा करता है तो हम उसको ग्रुप से आउट कर देते हैं, लेकिन हम उसका भी बायोडाटा अपने पास इसलिए रखते हैं कि जब हमें कामयाबी होगी, हमें हक मिलेगा, तो उसका नाम भी उसमें मौजूद रहेगा। मकसद सिर्फ उसके रवैये से तो इख्तलाफ है, लेकिन उसकी हक तलफी करना हमारा ना हमारे
ग्रुप की पॉलिसी है और ना हम किसी को इंतकाम का निशाना बनाने के कायल हैं। इख्तलाफ सिर्फ इसलिए कि नज़्म ज़ब्त होना चाहिए, अगर हर कोई अपनी मर्जी चलाए तो ये नहीं हो सकता। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अलग करम से हमारे ग्रुप में इंतशार की कैफियत बेहद ही कम है, जिसकी वजह से ये ग्रुप अपनी यूनिटी की वजह से, इत्तफाक की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से दिन ब दिन अपनी मंजिल की तरफ रवां दवाएं, और इंशाल्लाह अनकरीब जब इंसान की नीयत सही हो, इरादा सही हो, ईमानदारी और वफादारी से काम करें तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी ही अता करता है। मैं ये अपने साथियों को इसलिए हौसला देने के लिए ये कह रहा हूँ कि आप ज़हनी तौर पर किसी चीज़ से मायूस नहीं होना, सख्त हालात को फेस करना, उसके बाद ही तो मंजिल मिलती है। आप देख लीजिए कि एक साल हुआ और 8 महीने हमें अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, जिसके लिए हम केस को मूव करें और फाइट करें, हमें उसमें लगे, लेकिन हम मायूस नहीं हुए। शुरू में अगर आप अपनी तादाद देखें और अब आप देखें, इसमें मैंने एक हफ्ते की जो डेट दी थी, हम इसको फाइनल कर रहे हैं, पीछे एक काउंसिल में बैठकर हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। अब ये हफ्ता खत्म होने वाला है, इसके बाद मैं हतमी नेक्स्ट क्लिप के अंदर आपको बताऊंगा कि हम इसको एक्सटेंड करते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अब हम इस पोजीशन में नहीं कि फर्दर एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन करते जाएं, लेकिन अगर साथियों की मुश्तरका राय से जो इत्तफाक होगा वो आपको आगाह कर दिया जाएगा। आखिर में इजाज़त से पहले मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि अपने हौसले बुलंद रखें, सख्त मेहनत करें, अपनी यूनिटी पर तवज्जो देनी है, भरपूर तवज्जो देनी है, और मायूसी किसी हमारे ग्रुप में मायूसी का नाम कोई नहीं है। सख्त हालात को फेस करने के लिए हम तैयार हैं, हमने ज़हन है कि सख्त हालात भी हमारे पर कोई असरात नहीं रखते। हमारी कोशिश तहजीब के शाइस्तगी और इखलाक के दायरे में रहकर हम अपनी तहरीक को चला रहे हैं, और जाने से पहले एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूं कि हमारे ग्रुप की ये पहचान है कि ना बिकने वाला ग्रुप। अल्लाह ताला हमें इस पर कायम दायम रखे, और आखिर में मैं तमाम साथियों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल करम फरमाए और कामयाबी से नवाजे, दीन और दुनिया की नियमतों से नवाजे, और अपनी ज़ात के अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज़ और बरकतों के सदक़े हमें सुखरू और कामयाबी अता फरमाए, और अपनी ज़ात के अलावा कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुमामीन। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।